जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग, मैं आपका दोस्त अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिट फॉर ऑन में, जहां होती हैं स्पोर्ट्स और फिटनेस से रिलेटेड बिल्कुल सही बातें। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने चैनल के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस फिजिकल की तैयारी करा रहे हैं। इससे पहले 3 वीडियो आ सकी हैं, जिसने नहीं देखी है वो जाके देख सकता है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। तो आज की वीडियो लॉन्ग जंप से रिलेटेड है, तो कैसे अपने फिजिकल में लॉन्ग जंप को कैसे करें और अपने लॉन्ग जंप को कैसे बढ़ाएं। जो लॉन्ग जंप है ना, ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है, ना गर्ल्स कर पाते हैं ना बॉयज़ कर पाते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपकी लॉन्ग जंप की प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी और आप एक्सीलेंट मारोगे। तो जो लॉन्ग जंप होता है उसमें दो चीज़ें पहलू रखती हैं, पहला क्या होता है स्पीड, दूसरा टेक्निक। तो स्पीड के लिए हमें क्या करना है, स्पीड के लिए हमें 50 से 60 मीटर स्ट्राइड लगानी है। स्पीड जब हम रनवे पे दौड़ के आते हैं तो उसके लिए हमें स्पीड चाहिए होती है। जितनी ज़्यादा तुम्हारी स्पीड होगी उतना ज़्यादा अच्छा लॉन्ग जंप होगा। स्पीड के लिए क्या करना है, हमको अपनी बॉडी को झुकाना है और पंजों पे दौड़ना, पंजों पे। दूसरा है हमारी टेक्निक, तो टेक्निक अभी बताऊंगा, उससे पहले मैं कुछ एक्सरसाइज बताने वाला हूं जो आपके लॉन्ग जंप को बहुत अच्छा कर देंगे। जो हमारी पहली एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है, हमको खड़े खड़े कूदना है। ये देखो, ये पैर से पंजे पे रखा और तुरंत कूद जाना, ये पहली एक्सरसाइज है। जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें हमको क्या करना है, हमको ये हाई नहीं करनी है, देखो इतना अपने पैर को जितना उठा सको। और तीसरी एक्सरसाइज क्या करनी है, इसमें हमको खड़े खड़े जंप करना है, स्टैंडिंग जंप करना है। आप स्टैंडिंग जंप करते हैं तो आपकी जो लैग है उसमें पावर आ जाएगी और आप वर्कआउट करने से पहले या लॉन्ग जंप करने से पहले इसको वार्म अप एक्सरसाइज के रूप में करते हैं तो आपका जो फाइनल लॉन्ग जंप होगा ये बहुत अच्छा हो जाएगा। जो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है जो हमारे लेग में पावर लाती है, उसका नाम है सिंगल लेग होपिंग, जो हमारे को सिंगल लेग से करनी है। ये क्या करती है, जिस पैर से आप टेक ऑफ लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पावर और स्टेमिना ला देती है, जिससे आपका जो लॉन्ग जंप है वो ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाए। जो हमारे लॉन्ग जंप को इम्प्रूव करने के लास्ट एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है, हमको बी अप्स करना। जैसे हम लैंडिंग करते हैं, जब हम लैंडिंग करते हैं लॉन्ग जंप में तो किस टाइप से करते हैं, हमको हाथ ऐसे करके आगे पीछे अपनी बॉडी को ऐसे लाना होता है, चेस्ट को और हाथों को सीधा ऐसे। मैं करके बताता हूँ कौन सी एक्सरसाइज करनी है, देखो ये इस टाइप से करना है, ये इस टाइप से, देखो यहाँ आगे ले आओ कैमरे को थोड़ा सा आगे, इस टाइप से करना। जिससे ये नहीं हो रहा हो ना तो वो ये प्रैक्टिस कर सकता है ऐसे बैठे बैठे, ये ऐसे करने की, ऐसे आगे लाने की, अपनी बॉडी को बी शेप में लाना है, अपनी बॉडी को बी शेप में लाना है, चेस्ट को आगे की ओर करना है, चेस्ट और हाथ को आगे की ओर लाना है। उसमें दो पहलू थे, एक तो स्पीड और एक हमारा टेक्निक। स्पीड में हमने बात कर ली, स्पीड कैसे बढ़ानी है, स्ट्राइड लगाने 50 से 60 मीटर तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि जितनी तेज हाथ पैर चलाएंगे आप और जितनी तेज दौड़ के आएंगे उतना अच्छा लॉन्ग जंप होगा। एक होता है कि दौड़ के आए और सीधा जाके गिर गए, ये लॉन्ग जंप कुछ नहीं है। दूसरा टेक्निक, हमें क्या टेक्निक है वो मैं बताता हूँ। अब टेक्निक पे बात करते हैं, जो हमारा लॉन्ग जंप होता है उसमें 3 फेस होते हैं, पहला रनवे, दूसरा टेक ऑफ और तीसरा उसमें हमारी लैंडिंग है। तो जो हमको रनवे लेना है जिसमें हम दौड़ के आते हैं, उसमें हमको 25 से 30 मीटर का रनवे लेना है, जो जिसमें आपको सुविधा हो सके। तो जो आपने रनवे लिया है इस रनवे को 3 पार्ट में डिवाइड कर लें, पहला 10 मीटर, दूसरा 10 मीटर और तीसरा 10 मीटर। जो पहले 10 मीटर में आना है उसमें अपनी जो बॉडी की स्पीड लगानी है ना वो 70% के आसपास लगानी है। जो अगला 10 मीटर आना है नेक्स्ट, तो उसमें 80 से 85% या 90% की स्पीड लगानी है। और जब लास्ट पे पार्ट पे आते हैं तो अपनी स्पीड फुल स्पीड लगा कर फिर कूदना जंप। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो अपनी स्पीड को स्लो कर देते हैं, जिस कारण उनका लॉन्ग जंप अच्छा नहीं आ पाता। तो स्पीड कैसे लेते हैं मैं आपको तुम्हें करके बताता हूँ। जो हमको रनवे पे दौड़ना है वो हमको सीधा दौड़ना है, ना कि टेढ़ा मेला। पहले 70% एफिशिएंसी लगानी है, फिर 80 से 90% और फिर फाइनल एफिशिएंसी लगानी है 100%, जिसमें फाइनल एफिशिएंसी में जंप करना है हमको। जो हमारा फर्स्ट स्टेप था उसमें क्या बताया था, हमने रनवे बताया था। और जो हमारा सेकंड और थर्ड सेकंड स्टेप है टेक ऑफ कैसे लेना, और जो थर्ड स्टेप है कि लैंडिंग कैसे करनी है, वो अभी भाई बताएंगे। तो भाई बताएंगे कैसे करना है। जो हमको टेक अप लेना है ना वो अपने पावरफुल लेग से लेना, पैर को जितनी तेज़ी से पुश अप पुश कर सकते हैं और उतनी तेज़ी से अपनी बॉडी को
और अपनी जो शरीर को पूरा ऊपर की ओर उठाना है और फिर आगे की ओर जंप करना है, जैसा भाई खुद करके दिखा रहा है। भाई एक स्टेट में एटलीस्ट रह चुका है अपने अपने स्टेट में, यूपी स्टेट में, और भाई का जो लॉन्ग जंप है वो 23 फीट और 24 फीट से ऊपर है। तो सबसे पहले क्या है कि बॉडी की हाइट लेनी है, फिर क्या करना है कि अपने हाथ और पैरों को बहुत तेज़ी से चलाना है, मतलब साइकिलिंग करनी है जैसा भाई करके दिखा रहा है। उसको एक बार फिर ध्यान से देखो कि वो कर कैसा रहा है, एक बार देखो देखो देखो, ये जंप करा फिर उसके बाद साइकिलिंग चलाई बॉडी की। तो साइकिलिंग चलाने से क्या होता है कि बॉडी को आगे की ओर फेंकना, देखो बी शेप में बनाएगा भाई बॉडी, देखो ये एक बार और देखना कि भाई कैसे बी शेप में बना रहा है अपनी बॉडी को। ये देखो जो हमारा तीसरा स्टेप था वो लैंडिंग थी, देखो लैंडिंग कितनी प्यारी कर रहा है भाई, अपनी बॉडी को बी शेप में बना रहा है, अपने हाथों और पैरों को दोनों को आगे की साइड में पुश कर रहा है तो और पैरों को आगे की ओर लेके जाएं। पीछे की ओर लेके जाने से आपका जंप वहीं से काउंट हो जाएगा और आपका जंप कम होगा। जिस भाई का फाउल या जिस बहन का फाउल नहीं सुधर रहा, फाउल हो जाता है, तो फाउल सुधारने का क्या बात है। देखो मान लो किसी का पैर, ये हमारा टेक ऑफ लाइन, मान लो किसी का पैर आगे आता है तो जो हमने रनवे नापा था 30 मीटर का, उस रनवे को हम पीछे कर सकते हैं। और किसी का पीछे आ रहा है, मान लो किसी का पैर यहाँ टेक ऑफ लाइन ये है, वो जंप यहाँ से कर दे रहे हैं, उसको पैर को थोड़ा आगे लाना, तो उतने हम अपने जो जो हमने रनवे रखा उसने उतना उस रनवे को आगे ले सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका जो लॉन्ग जंप है वो बहुत आसानी से, या लॉन्ग जंप में फाउल होता है वो बहुत आसानी से सुधर। तो जो मैंने टिप्स और टेक्निक बताई हैं, आप इन टेक्निक का फॉलो करते हैं तो आप अपने फिजिकल में जो लॉन्ग जंप है वो एक्सीलेंट मारेंगे बहुत आसानी से। आपको लॉन्ग जंप में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।